गुड मॉर्निंग किड्स, से गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ, विच इज द थीम ऑफ द मंथ इज, आपको पता है थीम कौन सा है इस मंथ का? द थीम ऑफ द मंथ इज स्पोर्ट्स मंथ। तो ये बताओ स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं? व्हाट विल वी डू इन स्पोर्ट्स मंथ? हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। विच गेम्स दे आर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, वन इज इंडोर गेम एंड अदर इज आउटडोर गेम। नाउ आस्क मी व्हाट इज इंडोर गेम एंड व्हाट इज आउटडोर गेम। इंडोर गेम वो होती है जो हम घर के अंदर खेलते हैं, लाइक कैरम, लूडो, स्नैक लैडर, बॉलिंग अले, है ना। ये सारी गेम हम कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर, सो वी कॉल इंडोर गेम। एंड व्हाट इज आउटडोर गेम? जो हम घर के बाहर खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, ये सब घर में खेलते हैं? नो, वो हम कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर, सो वी कॉल आउटडोर गेम। तो अभी आज हम इंडोर गेम एक सीखने वाले हैं। विच वन इज दिस? दिस इज बॉलिंग अले। लुक एट हियर, हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं? बॉलिंग अले। नाउ आस्क मी व्हाट इज बॉलिंग अले, क्या होता है? आपको पता है, आपके पास होगी भी सही थी और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो तो कैसे करना है वो आपको टीचर बताएंगे कि आपको घर पे कैसे खेलनी है। तो बॉलिंग अले वो होता है, इसमें एक ट्रैक होता है, नैरो ट्रैक होता है, उसके अंदर से ही हमें रोल द बॉल एंड स्किटल्स, यानी क्या करना है, सारी जो बॉटल्स होती है वो हमें गिरानी है। कैसे? वो टीचर आपको करके सिखाएंगे। और गेम्स खेलनी बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स गेम का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम टीवी में भी देखते हैं बहुत सारी गेम्स आती हैं, है ना, आपके पापा, आप भी देखते होंगे क्रिकेट, और क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है। तो वैसे स्पोर्ट्स गेम एक नहीं होती है, बहुत सारी होती है, और स्पोर्ट्स गेम्स बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जैसे फिजिकल हमारी एक्टिविटी करनी जरूरी है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी किसके थ्रू होती है? सारी स्पोर्ट्स गेम्स से, है ना। और हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है। ओनली स्टडी, स्टडी तो पढ़ना तो जरूरी है, बट स्पोर्ट्स गेम, सारी जितनी भी गेम्स है वो भी खेलना बहुत जरूरी है। तो आप लोग खेलोगे ना, तो मैं आपको पहले सिखाती हूँ कि हाउ टू डू प्ले बॉलिंग। इन बॉलिंग अले गेम यू नीड फर्स्ट वन बॉल एंड सिक्स बॉटल। कितनी बॉटल चाहिए आपको? सिक्स बॉटल। अगर आपके पास बॉटल नहीं है सो यू कैन यूज प्लास्टिक बॉटल, बराबर। प्लास्टिक बॉटल होती है सबके घर में, और बॉल तो सबके घर में होती है ना। तो हमें थ्रो करना है, वो आपको दिखाऊंगी। अगर प्लास्टिक बॉटल भी नहीं हो तो यू कैन यूज डिस्पोजेबल ग्लास, बट डोंट यूज, आपको कांच का ग्लास यूज नहीं करना है, और स्टील का, क्योंकि वो बहुत आवाज करता है, और कांच का ग्लास तो फूट जाता है, जो हमें चोट लग सकती है। सो डोंट यूज ग्लास ऑफ स्टील। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट हाउ टू प्ले। फर्स्ट यू हैव टू होल्ड लाइक दिस। कैसे? आपको ये थम्स यहाँ, और जो बीच की टू फिंगर्स है उसको यहाँ और यहाँ, लाइक दिस, ऐसे दिख रहा है आपको। देन स्पिन द बॉल एंड फॉल द बॉल, सी दैट। हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। नाउ वन मोर टाइम वी हैव टू डू दिस अगेन, वी विल डू। कि कैसे करना है आपको? होल्ड टू फिंगर्स से और वन थंब से ऐसे बॉल को, और देन स्पिन इट, और जितनी बॉल्स गिरेगी उतने हमारे नंबर्स हमको ज्यादा मिलेंगे, और अगर एक रह गई तो हमारे पॉइंट कम होंगे, है ना। तो हमें क्या टारगेट बनाना है? कि हमारी सारी बॉटल गिर जानी चाहिए। ओके, तो नाउ आई विल शो यू अगेन स्टार्ट। नाउ आई विल शो यू, अगर वन बॉटल के 10 पॉइंट है, मेरे पास सिक्स बॉटल है, अगर सिक्स बॉटल गिरती है तो
60। और अगर 4 बॉटल गिरती है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 40। ओके, तो ऐसे पॉइंट से खेला जाता है। नाउ सी दैट, तो टीचर को कितने पॉइंट मिले, कितने बॉटल्स गिरी? 1, 2, 3, 4। सो वी गेट 40 पॉइंट। ओके, तो आपको ऐसे घर पे गेम्स खेलनी है और मुझे पिक्स भेजने हैं, है ना, सबको वीडियो और पिक्स भेजने हैं, वो भी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, बाय बाय किड्स।